ये डोनट की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको 100% बाहर का डोनट कार्डबोर्ड जैसा लगेगा दोस्तों। मैंने ये जो डोनट बनाया है आप देख सकते हो बहुत ही नरम है और मुंह में घुल जाने वाला है। बेस्ट पार्ट क्या है, इसके अंदर हम लोग एक सीक्रेट फिलिंग करेंगे, इसका इलाज करेंगे बनाने के बाद, जिसके वजह से ये बहुत ही नरम रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और मेरे चटोरो कैसे हो आप, जैसे मैंने कहा अभी हम लोग ये एगलेस डोनट बना रहे हैं जो कि बिना अंडे के बनेंगे लेकिन बहुत ही नरम है। बेसिकली दो टाइप के डोनट होते हैं, एक जो होते हैं हल्के से स्पॉन्जी ब्रेड टाइप के, दूसरे जो डोनट होते हैं वो मुंह में घुल जाने वाले होते। तो आज हम लोग सेकेंड टाइप वाला बना रहे हैं और इसके अंदर एक फिलिंग करेंगे जिसकी वजह से ये नरम रहेंगे और मुँह में बिल्कुल घुल जाएंगे। बिल्कुल भी इसमें ताकत नहीं लग रही इसको तोड़ने में, कितनी आसानी से टूट रहा है कि नहीं। बाहर की तरफ से ये अलग अलग है, अंदर की तरफ से एक ही फीलिंग है। तो आप भी ट्राई करिएगा ये रेसिपी को, बहुत ही इजी है। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे मेन स्टेप दोस्तों जो कि है डोनट को फुलाने वाला, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पतीला ले लेंगे और उसमें हम लोग दूध डालेंगे। ये 1/4 कप दूध है या फिर आधा ग्लास से भी कम गर्म दूध है। दूध गर्म रहना चाहिए दोस्तों, अगर गुनगुना गर्म है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो गरम दूध में हम लोग चीनी मिलाएंगे, ये मैंने अभी 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल करी है। टोटल में ये रेसिपी में 6 बड़े चम्मच लगेगी, तो शुरू में ज़्यादा मत डालिएगा वरना दूध ठंडा हो जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी। तो दूध में चीनी को अच्छी तरह मिला लीजिए और ये चेक कर लीजिए कि दूध गर्म है या नहीं है। दूध गर्म रहना चाहिए, अगर वो ठंडा हो चुका है तो आपको फिर से गर्म करना पड़ेगा। तो ये गुनगुना गर्म रहना चाहिए दोस्तों, अभी ज़्यादा गर्म रहेगा तो भी प्रॉब्लम ही है अगर आपको यीस्ट के बारे में पता है तो, क्योंकि ये रेसिपी में यीस्ट डालना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट यीस्ट इस्तेमाल किया है, ये आपको बाज़ार में आजकल आसानी से मिल जाएगा। 500 ग्राम की पैकेट आती है बिल्कुल ऐसे वाली, ये वाला इस्तेमाल करिएगा। ये जो ड्राई यीस्ट आता है ना ऐसी पैकेट में, ये मत लीजिएगा दोस्तों। मैंने पूरा एक वीडियो बनाकर भी रखा है यीस्ट का, वो आप देख सकते हो। कुछ 150 रुपये में ये 500 ग्राम आती है यीस्ट और आप इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपको ये फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। तो यीस्ट की बहुत बातें हो गई, ये जो दानेदार जो ही छोटा दानेदार जो यीस्ट होता है ना, ये आपको इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच ले लीजिए और फिर इसको आप दूध में मिला दीजिए। दूध में मिलाने के बाद आपको इसको कम से कम 5 मिनट के लिए आराम करने देना है। यीस्ट क्या करता है, चीनी को खाता है और फिर हवा ये ऐसे फिल कर देता है, आप देख सकते हो कैसे ये पूरा फूल रहा है। तो यीस्ट प्रूव हो चुका है, ये रेडी है। अगर ये ऐसे नहीं होता है तो आप ये रेसिपी कंटिन्यू मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि डोनट ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे अच्छी तरह। तो ये ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको एक परात लेना और ये परात में आपको मैदा इस्तेमाल करना है। अभी मैं यहाँ पर 150 ग्राम मैदा इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी के साथ में बाकी बची हुई जो चीनी का पाउडर था ना वो भी इसमें डाल रहा हूँ और फिर हम लोग इसमें मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं मिल रहा आसपास तो आप डेरी वाइटनर जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसको छोड़ दीजिएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप फुल क्रीम दूध इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने तो अभी टोंड मिल्क इस्तेमाल किया था यीस्ट को मिलाने के लिए, इसलिए मैंने ये मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। दूध जो होता है ना वो टेंडराइज़र का काम करता है, मतलब अपने डोनट को ब्रेड को नरम बनाता है। ज़्यादा बातें नहीं करते दोस्तों, नेक्स्ट जो स्टेप है आपको ये दूध इस्तेमाल कर यीस्ट वाला दूध इस्तेमाल कर इसका एक आटा बनाना है जो कि बहुत ही नरम रहना चाहिए। अगर ये नरम नहीं रहेगा तो ये अच्छा नहीं बनेगा। तो अच्छी तरह इसका एक नरम आटा बना लीजिए, उतना दूध में तो काम नहीं चलेगा, आपको और दूध इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गुनगुना गर्म दूध इस्तेमाल करिए और इसका एक नरम चिपचिपा आटा बना लीजिए, क्योंकि हम लोग ने इसमें चीनी अच्छी क्वान्टिटी में डाली थी ना, तो ये बहुत ही चिपचिपा रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं है यार, आप इसको अच्छी तरह नीड करिएगा और ये रेडी हो जाएगा। हम लोग अभी इसमें बटर भी डालेंगे दोस्तों। तो बटर डालने से क्या होता है, जैसे मिल्क पाउडर एक टेंडराइज़र है ना, वैसे ही बटर भी एक टेंडराइज़र है। टेंडराइज़र होने के साथ साथ आपने देखा होगा छोटे छोटे छेद होते हैं ब्रेड में, डोनट में, वो जो छेद होते हैं ना वो ग्लूटेन की वजह से होते हैं, यीस्ट के वजह से होते हैं। तो वो जो छेद होते हैं उसको ये बटर कट कर देता है, वो जाली नहीं बन पाती है दोस्तों, उसी के वजह से ये मुंह में घुल जाता है, जो मैं अभी आपको तरीका दिखा रहा हूँ। तो बटर मैंने जो इस्तेमाल किया है वो 3 बड़े चम्मच के आसपास है, नरम बटर है। इसको हम लोग को अच्छी तरह ये आटे के साथ मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो कैसे ये कट रहा आटा, बिल्कुल पहले ये इलास्टिक जैसा आटा था और अभी ये है ना कैसे जगह जगह से कट रहा है। तो मैं जो कह रहा था वो हो रहा है कि नहीं, तो अभी ये आटे को आपको बिल्कुल अच्छी तरह नीड करना है कम से कम 6 से 7 मिनट तक।
तो पहले ये बहुत चिपचिपा था, अभी ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है दोस्तों, है कि नहीं? तो ये रेडी हो चुका है बिल्कुल, मैंने इसको पटक पटक कर नीड किया है, तो अच्छी तरह ये नीड हो चुका है। लास्ट में ये अगर आपको ज़्यादा नरम लग रहा है तो आप इसमें हल्का सा सूखा मैदा डाल लीजिएगा 1-2 चम्मच के आसपास, और फिर उसको एक बार मिक्स कर दीजिएगा और फिर ये रेडी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, इसको आराम करने देने का है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक पतीले में डाल सकते हो। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आटा है ना, ये नरम है दोस्तों, स्पॉन्जी नहीं है। बहुत सारे आटे अगर एक बार प्रेस करते हो आप तो वापस ऊपर आते हैं, ये नहीं आएगा। तो इसको मैंने एक छोटे से बोल में रख दिया है, इसको कपड़े से भी ढक दूंगा दोस्तों, और फिर इसको 30 मिनट के लिए आराम करने देंगे। ज़्यादा फर्मेंट वगैरह नहीं करना है दोस्तों, बस 30 मिनट काफ़ी रहेगी। जब तक ये आराम कर रहा है तब तक हम लोग इसकी फिलिंग बना लेते हैं, जो कि एक सीक्रेट चीज़ है दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग एक कढ़ाई गरम करेंगे और गरम कढ़ाई पर दूध डाल देंगे 1 ग्लास। सारा दूध मत डालिएगा दोस्तों, इसमें आपको हल्का सा दूध बचाना है, और ये जो ठंडा दूध है ना बचा हुआ, इसको आपको कस्टर्ड पाउडर में मिलाना है। हम लोग अभी जो फिलिंग बना रहे हैं वो कस्टर्ड वाली होगी, जिसके वजह से अपनों का जो डोनट है ना बहुत नरम रहेगा। तो 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लीजिए और फिर उसको दूध में अच्छी तरह घोल लीजिए, मिक्स कर लीजिए, एक स्लरी बन जाएगी दोस्तों। लेकिन दूध ठंडा होना चाहिए, वरना ऐसे गुठलियाँ पड़ने लग जाएगी दोस्तों। तो ये रेडी होने लग चुका है, तो ये रेडी ही है ऑलमोस्ट। अब हम लोग दूध के पास वापस जाते हैं। तो मैंने ये हाई फ्लेम पर गर्म करने रखा है, ये बहुत मीठा होना चाहिए जो फिलिंग है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर और चीनी डाल रहा हूँ। टोटल में ये अभी 1/4 कप चीनी है दोस्तों, ये हम लोग इसमें डाल देंगे, चलाएंगे और फिर दूध को उबालेंगे। लेकिन पूरा नहीं उबालना है, अभी से ही हम लोग इसमें कस्टर्ड डालना स्टार्ट कर देंगे। तो 1-1, 2-2 चम्मच करके इसमें कस्टर्ड पाउडर डालिए, मतलब कस्टर्ड पाउडर की स्लरी डालिए, और फिर इसको मिक्स करते हुए पकाइए। बाद में अगर आप डालते हो ना, तो गुठलियाँ पड़ने का चांस रहता है, लम्ब्स पड़ने का चांस रहता है। अगर पहले से ही डालना स्टार्ट कर दो इसमें कस्टर्ड पाउडर, तो ये एकदम स्मूद और क्रीमी बनता है। तो आप देख सकते हो हम लोग का ये जो कस्टर्ड है ना, वो उबलने लग चुका है, बहुत ही क्रीमी लग रहा है कि नहीं, शाइनी भी लग रहा है, एक चमकान आ चुकी है इसमें। तो ये रेडी है और उबलने भी अच्छी तरह लग चुका है, तो गैस को बंद कर देते हैं और फिर इसके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। तो 20-25 मिनट हम लोग के आटे को आराम करने के बाद भी आप इसको बना सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इसको ज़्यादा प्रूफ नहीं करना है। और एक बात क्या है, हम लोग ने इसका ज़्यादा ग्लूटेन को कट कर दिया था, तो ये ज़्यादा प्रूफ होगा भी नहीं। जो पकेगा, जो फूलेगा, वो तेल में ही फूलेगा। तो यहाँ पर ये जो आटा है ये रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ और इसके ऊपर हल्का सा सूखा मैदा छिड़क देता हूँ, और फिर हम लोग इसको स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग ने आटा लगाया, क्या कंसिस्टेंसी है आप देखिए, अपने हाथों से ही मैं इसको फैला पा रहा हूँ, कोई भी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। वैसे बेलन की ज़रूरत तो पड़ेगी इसको इवन करने के लिए, तो एक सार करने के लिए, चारों तरफ से एक ही थिकनेस करने के लिए बेलन से मैंने इसको ऐसे से टच कर दिया है चारों तरफ से, और ये रेडी हो चुका है। लास्ट में ये कुछ 1 सेंटीमीटर के आसपास का है, बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग इसको कट करेंगे डोनट की शेप में। तो उसके लिए आपको एक ग्लास ले लेना है, ग्लास बेस्ट रहेगा दोस्तों। एक डोनट कटर भी आता है लेकिन वो अच्छा नहीं रहता है, आपको मैं दिखाता हूँ बिल्कुल। तो ग्लास से आप इसको कट कर लीजिए, उसके बाद एक बॉटल का ढक्कन ले लीजिएगा और फिर इसको कट कर लीजिएगा बीच से। लेकिन एक बात बोलना भूल गया दोस्तों, वरना ये प्रॉब्लम आएगी। देखिए कैसे ये बीच में ही चिपक गया है। आपको क्या करना है, सूखा मैदा ले लीजिए हल्का सा, उसमें ये ढक्कन को ऐसे डिप कर लीजिए, इससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। देखिए जादू, कैसे ये एक बार में निकल गया ना। तो मेरे ये 5 पीस डोनट तैयार है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा आटा है ना, इसको निकाल लेता हूँ, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट में हल्का सा सूखा मैदा छिड़क देंगे, इससे क्या होगा, हम लोग को ये जो सुपर नरम वाला डोनट है ना, ये चिपकेगा नहीं प्लेट में। तो पांचों को मैं ये प्लेट में सजा लेता हूँ और फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस तो सेम ही है यार, आपको वो जो बचा हुआ आटा है ना, उसको फिर से एक बार नीड करना है, एक साथ उसको लेकर आना है, फिर से बेलन पकड़िए और फिर इसको बेल लीजिए। अब की बार मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप डोनट कटर इस्तेमाल करते हो स्पेशली ऐसे टाइप का, तो क्या प्रॉब्लम आती है। शायद मेरा वाला ख़राब हो सकता है, लेकिन मेरे को ये तो भाई सही नहीं लगता है। एक तो शेप की प्रॉब्लम, ऊपर से अंदर का ये जो छोटा वाला होल है ना, बहुत छोटा है।
इसलिए मेरे को ये ग्लास वाला प्रोसेस बढ़िया लगता है दोस्तों, तो मैं उसी तरीके से बाकी के डोनट बनाऊंगा। तो लास्ट वाला डोनट भी रेडी है दोस्तों, मैंने सारे के सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, ग्लास वाले भी और साथ में डोनट कटर वाले भी। वो वाली प्लेट में डोनट कटर वाले हैं और रेगुलर वाली प्लेट में आप देख सकते हो ग्लास वाले हैं। तो ये दोनों ही रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको आराम करने देते हैं 5 मिनट। 5 मिनट काफ़ी है, अगर आप चाहो तो 10 मिनट भी दे सकते हो, लेकिन इनको ढक दीजिएगा एक गीले कपड़े से, वरना ये सूखने लग जाएंगे। तो आपको लगभग 5 मिनट बाद क्या करना है, एक कढ़ाई गर्म करनी है तेल के साथ। आप चाहो तो इनको बेक भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को पर्सनली फ्राई किया हुआ ज़्यादा बेटर लगता है। हम लोग डेली डेली तो डोनट बनाते नहीं हैं, या फिर डेली डेली तो तेल टिकाते नहीं हैं, तो कभी कभी के लिए चलता है यार। आप इसको टेस्ट कर लीजिए, तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो डोनट बीच से कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर आपको इसको फ्राई करना है दोस्तों, हल्की सी लो ही रहेगी मीडियम से। मैं 4 पीस डाल रहा हूँ अभी, और 4 पीस को हम लोग फ्राई करेंगे जब तक ये पूरे ना फूल जाए और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो टाइम लगती है इनको फ्राई करने में, क्योंकि इनको अंदर तक पकाना है ना, तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाते तब हम लोग इनको निकालेंगे। बीच बीच में आप पलटते रहिएगा और इनको गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। आप देख सकते हो इनकी साइज़ कैसे डबल पे डबल हो रही है, मतलब अभी ऑलमोस्ट ये 3 गुने बड़े हो चुके हैं, है कि नहीं। अगर आप इसमें बटर ज़्यादा डालते हो आटे में, तो क्या होता है कि ये ना मुँह में घुल जाने वाले बनते हैं। अगर आप इसमें कम बटर डालते हो तो ये स्पॉन्जी बनते हैं दोस्तों। तो मेरे को ये टाइप वाले ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादा बटर वाले, ये पूरे मुंह में घुल जाते हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो इतने नरम है कि ये ऐसे टूटने जैसे हो रहे हैं। तो मैं इनको फटाफट निकाल लेता हूँ और फिर तेल की गैस को बंद कर देंगे और बाकी के डोनट इसमें ऐड कर देंगे। तो इनको भी फिर से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे दोस्तों। और अपने जो पहले वाले बैच है ये रेडी है, तो इनकी अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग ने ये जो कस्टर्ड बनाया था ना, आप देख सकते हो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, मतलब चम्मच से ऐसे गिर जाना चाहिए, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब आपको क्या करना है, एक सिरिंज लेना है। ये मैंने लगभग 5 साल पहले लिया था और मैं यही काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ इसको। तो ये जो सिरिंज है आपको फिल कर लेना है, ज़्यादा नहीं लगेगा, 30 ml 40 ml के आसपास इसको आप फिल कर सकते हो। और मैंने इसमें आगे की जो नीडल होती है वो नहीं लगाई है, बस प्लेन सिरिंज है, इसको मैं फिल कर लेता हूँ और फिर हम लोग अपने डोनट का इलाज करेंगे। तो जैसे हम लोग इंसानों को सलाइन चढ़ती है, वैसे अपने डोनट को अभी कस्टर्ड चढ़ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो कैसे मैं सिरिंज से ये डोनट में मैं अपना कस्टर्ड फिल कर रहा हूँ। आपको इतना फिल करना है कि ये बाहर निकलने लग जाए दोस्तों। तो 4 से 5 जगह आप इसको ऐसे फिल कर दीजिएगा और फिर ये रेडी हो जाएगा। इससे क्या रहता है, अपना जो डोनट है ना वो अंदर से बहुत मॉइस्ट रहता है और नरम रहता है। तो बिल्कुल ऐसे ही सारे के सारे डोनट मैं फ्राई कर फिल कर लूँगा। और कोशिश करिएगा ये स्टेप आप गरम गरम में ही करें, या फिर है ना गुनगुने गरम अपने डोनट में ही करें, ठंडे डोनट में मत करिएगा, मुश्किल हो जाती है। तो ये बिल्कुल रेडी है, मैंने ये इतने सारे डोनट तैयार कर चुके हैं, बाकी के डोनट मैं ऐसे ही सर्व करूँगा दोस्तों। तो अब हम लोग इसके आगे का डेकोरेशन करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाइट चॉकलेट अवेलेबल है, ये आप है ना डार्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाली जो चॉकलेट है वो मिल्की बार नहीं है, ये मॉर्डे की वाइट कंपाउंड चॉकलेट है, 500 ग्राम की पैकेट आती है दोस्तों, आजकल होलसेल बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, ऐसी पैकेट में आती है। अगर नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप ये वाली डिज़ाइन को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन वो मिल्की बार इस्तेमाल मत करिएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ये कोटिंग कर दिया चम्मच से अपनी चॉकलेट की, बिल्कुल ऐसे ही मैं डार्क चॉकलेट की भी कर लूँगा। इसकी भी पैकेट वैसी ही आती है 500 ग्राम की, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है दोस्तों ये, लेकिन हल्की सी महंगी रहती है ऑनलाइन, ऑफलाइन सस्ती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी के डोनट भी तैयार कर लूँगा। चम्मच से आपको इसके ऊपर अपनी चॉकलेट डालनी है और ये रेडी हो जाएगा। तो ये अपने चॉकलेट कोटेड डोनट्स है दोस्तों, इसकी और डेकोरेशन भी करेंगे, अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे डेकोरेट करना चाहो। मेरे को तो भाई इसमें कोकोनट बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर है ना डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, मतलब पाउडर जो बुरादा रहता है कोकोनट का, या फिर खोपरा जो रहता है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। हल्का सा मैंने इसमें है ना बादाम भी डाला है और ये रेडी है। आप इसमें चाहो तो वाइट चॉकलेट से भी सजा सकते हो, और चाहो तो चॉकलेट के छिलके से भी सजा सकते हो।
अगर आपने मेरा ब्लैक फॉरेस्ट केक का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब चॉकलेट को आप अपने आलू छीलने वाले चाकू से छील लीजिए और इसके ऊपर डेकोरेट कर दीजिए, बहुत बढ़िया लगता है। ये जो डेकोरेटिंग वाला काम है दोस्तों, सब आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहो। आप इसमें शुगर कन्फेटी भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो 5-6 पीस जो मैं अलग अलग बना पाया मैंने ये प्लेट में सजा दिए दोस्तों। इसमें ये शुगर कन्फेटी वाला भी है, नट्स वाला भी है, वाइट डार्क चॉकलेट वाला भी है, चॉकलेट के छिलके वाला भी है और एक दो सेम सेम भी है दोस्तों। तो ये सारे के सारे रेडी है। अब मैं आपको ये पास से भी दिखाता हूँ, झकास लग रहे है कि नहीं। हम लोग का ये जो डोनट है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से फिल किया गया है और बाहर से कोटिंग भी हम लोग ने करी है। हल्का सा भी इसमें जोर नहीं लगेगा, मतलब आप इसको आसानी से तोड़ पाओगे, आप देख सकते हो। और ये स्पॉन्जी नहीं है, मुंह में घुल जाने वाला है। मतलब आप जब इसको बाइट करोगे ना तो मुंह में बिल्कुल घुल जाएगा दोस्तों। और मैं ये एक डोनट से नहीं, 2 से 3 डोनट को आपको तोड़कर दिखाता हूँ। मेन जो इसमें स्वाद आया है, मतलब इसमें जो टेस्ट आया है वो कस्टर्ड के वजह से आया है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, पास से अगर आप दिखेंगे तो आपको दिख भी रही होगी कस्टर्ड की फीलिंग। तो दोस्तों ये थी आपके भाई की डोनट की रेसिपी जो मैंने आपको ये तरीके से दिखाई है। आप भी ट्राई करिएगा। अगर आपको स्पॉन्जी वाला तरीका ट्राई करना है तो वो भी मैंने आपको बताया था कि मतलब आप अगर इसमें कम बटर डालोगे तो जो ग्लूटन होता है वो कम कटेगा और आपका जो डोनट है वो ज़्यादा फूलेगा और स्पॉन्जी बनेगा। तो आप भी ट्राई करिएगा और मेरे को बताइएगा कि कैसा लगा। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को क्लिक करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप ये फेसबुक में देख रहे हो तो कुकिंग शुकिंग लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। अगर YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ जल्द, बाय बाय।